हेलो फ्रेंड्स, लिटिल एंजल्स पेट केयर सर्विसेज, डायरेक्टर पलाश पटेल, अहमदाबाद गुजरात। आज हम आपके लिए एक ब्रीड लेके आए हैं, आपको दिखाने के लिए उसका नेचर वगैरह। वर्ल्ड्स मोस्ट एग्रेसिव एंड डेंजरस ब्रीड पिटबुल। ये मैंने जैसे कहा कि मोस्ट डेंजरस एंड एग्रेसिव ब्रीड, कौन से एंगल से लगती है? मेरे को तो नहीं लगती, लोग कहते हैं ना ये, तो एक्चुअली ये मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे आप रख सकते हो वैसे। एक कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कि ये लेना आपके लिए सही नहीं है, बिल्कुल ऐसी अफवाह है, ये बिल्कुल अफवाह है, ठीक है। देखो ये कौन से एंगल से आपको एग्रेसिव लग रही है, कौन से एंगल से लग रही है ये मोस्ट डेंजरस ब्रीड इन द वर्ल्ड। ये पिटबुल है, प्योर पिटबुल है, डेंजरस है। ये मेरे क्लाइंट की है, ठीक है, ये तो मेरे साथ भी नहीं रहती, ठीक है, पर ये मेरे गाइडेंस से जो तैयार हुई है बच्ची, देख सकते हो आप, ठीक है। ये अपने पे जाते हैं कैसे करना, कैसे पैम्परिंग करना, जो मेरे क्लाइंट है किस तरीके से उन्होंने पैम्पर किया है इसको, ठीक है। ये अभी 14 मंथ्स की बेबी है, ठीक है, फीमेल है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप पिटबुल ले रहे हो, रॉटवीलर ले रहे हो, ठीक है, कोई बड़ी मतलब वो एग्रेसिव ब्रीड नहीं है। ये सब वीडियोस देखते हो आप यूट्यूब पे दूसरे, तो ये सब अफवाह है, वो मार्केटिंग लेवल करने के लिए कि भाई आप ये ले लो, ठीक है, ब्रीड की बोलने के लिए लेते हैं वो लोग कि पैसा मिले उनको, ठीक है, दूसरा कुछ होता नहीं है। कोई भी ब्रीड हो, पोमेरियन कुत्ते को आप रॉटवीलर बना सकते हो, ठीक है, और रॉटवीलर को आप पोमेरियन कुत्ता बना सकते हो, वैसे ही ये पिटबुल है, ठीक है। तो पिटबुल को आप जैसे बनाना चाहो वैसे बनाएंगे, ये मिथ है, आपने इनको एग्रेसिव बनाया है तो आपकी गलती है। ये डॉग कोई भी हो, एक ही होता है इनका टेम्परमेंट आपके हाथों में कि कैसा करना है, दूसरा कोई नहीं, रीज़न नहीं है, देख सकते हो। 14 मंथ्स, कम ऑन बेबी, कम ऑन, नो 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 नो, देखो लोग कहते हैं सबसे डेंजरस है ये, वैसे ये इतनी शर्मीली है ना, डेंजरस की तो बात ही छोड़ो, इतनी शर्मीली आपको किस एंगल से लग रहा है ये डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस ब्रीड। तो ये भूल जाइए, जिसको अगर पिटबुल्स लेने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या किसी को भी, कोई अच्छे ब्रीडर को कांटेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छी सलाह दे, ऐसा नहीं कि ये डेंजरस है वगैरह फलाना डिंग का, ठीक है।